लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी फिलहाल में लगातार पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज जो है यहाँ पर लोगों की जेब पर फर्क पड़ रहा है। और उसी में अब फिलहाल में जिस प्रकार से काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि जो विपक्ष है वो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा रहा, विपक्ष बिल्कुल मौन है, और उसी तरह की बातों के बीच में आज इंदौर युवक कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया था, और उसके साथ ही उन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन भी इसमें किया है कि जो फोर व्हीलर थी उनकी जो खुद की गाड़ियाँ थी उनमें पेट्रोल निकाल कर और उसको यहाँ पर धक्का देके पेट्रोल पंप तक ले आने की कोशिश की और उनको पूरे शहर में घुमाकर चक्का जाम करने की कोशिश की गई। उसी को लेके आज जो है इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी खासा इंतजाम भी किए हुए थे और लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के सभी इंतजाम किए हुए थे। और उसी को लेकर यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया, जिस जगह उनको पहले जहाँ पर प्रदर्शन करना था उसके बाद उन्होंने जगह चेंज करके दूसरी जगह से उस रैली को निकाला, उस अन्य को जो अनोखा प्रदर्शन था उसको किया, और उसके दौरान ही जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ पर हल्की फुल्की झड़प के साथ गिरफ्तार करके फिलहाल यहाँ से जेल भेजा है, और आने वाले समय में जो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।